हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गए थे। और आज की वीडियो होने वाली है काफी अमेजिंग, क्योंकि आज मैं लेके आऊँ डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स और एक लेके आऊंगा एक्सेल रिंग आर्ट सेट और एक लेके आऊँ प्रिंसेस की इरेजर सेट गाइस। और इसमें बिल्कुल अलग अलग तरह की इरेजर मिलती है दोस्तों। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन सारी ज्योमेट्री बॉक्स में से कौन सी ज्योमेट्री बॉक्स ज्यादा अच्छी लगी और इन दोनों सेट में से सबसे अच्छा सेट कौन सा लगा गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और ज्यादा अच्छी लगी वीडियो तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, बाकी कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच भी फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास काफी सुंदर और काफी प्यारी सी एक ज्योमेट्री बॉक्स जो है छोटा भीम के ऊपर गाइस, काफी सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स से पन्नी से निकालता हूं। इसे मैंने 180 रुपीस की परचेज करी है दोस्तों, काफी गजब है। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो दोस्तों, कितनी जबरदस्त है। ऑरेंज ग्रीन कलर की ये ज्योमेट्री बॉक्स है और ये देखो दोस्तों, ये भीम, ये छुटकू, ये इसका नाम क्या है दोस्तों प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना, काफी जबरदस्त है। चलो पहले ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें कितना स्पेस है और कितना हमें स्टडी मटेरियल आ जाएगा इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। और ये देखो दोस्तों, इसके अंदर कुछ आवाज भी आ रही है, यानी इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कुछ है, वो क्या है? चलो ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करते ही वाओ यार, ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिला है, दो व्हाइट बोर्ड। वाओ यार काफी अमेजिंग, एक नहीं दो व्हाइट बोर्ड मिल गए दोस्तों। वाओ, और ये क्या दोस्तों, ये व्हाइट बोर्ड तो 360 रोटेट भी हो रहा है। ओहो वाओ, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग यार, मजेदार यार, काफी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है ये तो। चलो इसे बंद करते हैं, सेकंड कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सेकंड कंपार्टमेंट ओपन करते ही दोस्तों हमें इसके अंदर एक चीज मिलती है, और ये क्या यार, ये तो मुझे डस्टर लग रहा है दोस्तों, एक डस्टर मिल गया। और ये देखो दोस्तों, एक ट्रे है जिसके अंदर गाइस हमें एक दो तीन तीन कंपार्टमेंट मिल गए, और इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें एक दो तीन चार चार पेंसिल लॉक मिल गए दोस्तों। काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों इस वाले ट्रे में, इस ट्रे को हटाते हैं और नीचे देखो, ओहो वाओ, ये देखो दोस्तों इसमें कितनी सारी चीजें मिल गई। एक तो पेंसिल मिल गई दोस्तों, काफी सुंदर वुडन पेंसिल मिल गई, ये देखो, और साइज देख सकते हो दोस्तों काफी गजब है इस पेंसिल का। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक गाइस 15 सेंटीमीटर का रूलर। वाओ, ट्रांसपेरेंट रूलर मिल गया दोस्तों, देखो 15 सेंटीमीटर का रूलर। और क्या मिल गया दोस्तों इसके अंदर गाइस, हमें मिल गया एक व्हाइट बोर्ड मार्कर। वाओ यार काफी सुंदर, काफी अमेजिंग दोस्तों। और देखो दोस्तों, ये देखो स्पेस देख सकते हो दोस्तों इस कंपार्टमेंट में दोस्तों, कितना ज्यादा और गहराई देखो दोस्तों, कितनी ज्यादा गहराई है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। तो दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। चलो व्हाइट बोर्ड को यूज करके देखते हैं, मार्कर को यूज करके देखते हैं कहीं हमें खराब मार्कर तो नहीं मिला। ये देखो मार्कर काफी जबरदस्त है, आगे की निब देखो दोस्तों कितनी मोटी है मार्कर की। चलो इस पर कुछ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे अपना नाम वी के फन। ये देखो दोस्तों काफी अच्छे से लिख लिया हमने वी के फन। अब इसे मिटाएंगे कैसे, तो डस्टर बिल्कुल अलग मिला है दोस्तों हमें, और इस डस्टर से हम मिटा लेंगे। ये देखो कितने आसानी से मिट गया, काफी जबरदस्त ये ज्योमेट्री बॉक्स है। आपको कैसी लगी ज्योमेट्री बॉक्स प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या है नेक्स्ट चीज है गाइस हमारे पास, ये कलरिंग आर्ट सेट दोस्तों। इसे मैंने 200 रुपीज का परचेज किया है और ये काफी अमेजिंग है। और इसमें हमें क्या क्या मिलता है, तो इसमें मिलते हैं 5 कलरिंग सीट मिल जाते हैं दोस्तों। और क्या मिलता है हमें, तो इसके अंदर मिलते हैं 52 अल्फा बेट स्टिकर्स मिल जाते हैं। वाओ 52, एक नहीं दो नहीं 52, और ये देखो क्या है 20 आइकन स्टिकर भी मिल जाते हैं। वाओ, और इसमें 6 स्केच पे मार्कर मिल जाते हैं और 6 पेंसिल कलर भी मिल जाते हैं इस सेट के अंदर। चलो फटाफट इस सेट को ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ इसमें हमें कैसी चीजें मिलती है, किस क्वालिटी की चीजें मिलती है। चीजें तो वैसे मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये सारी चीजें मिलेगी। और चलो इसके हम सीट्स देखते हैं और स्टिकर्स देखते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों काफी अच्छे पैकिंग में दोस्तों ओपन करते हैं, और इसमें देखो दोस्तों हमें तो सबसे पहले ये देखो दोस्तों क्या मिलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर गाइस हमें मिल जाते हैं 6 मार्कर्स मिल जाते हैं, कलर स्केच पेन मिल गए। चलो एक स्केच पेन को चला के देखते हैं क्वालिटी कैसी है दोस्तों। ये देखो ग्रीन कलर उठा लिया, ग्रीन कलर उठाते चला के देखते हैं, तो वाओ काफी जबरदस्त चल रहा है दोस्तों, काफी अमेजिंग चल रहा है। और साइज की बात करें तो ज्यादा बड़ा साइज नहीं है स्केच पेन का दोस्तों, छोटा सा साइज है बट क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और पेंसिल कलर का देखते हैं दोस्तों क्वालिटी कैसी है, तो ये पेंसिल कलर मिले, साइज भी इसका ज्यादा बड़ा नहीं है गाइस, छोटा साइज है, निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाद में इसी निकालेंगे। और इसमें गाइस हम देखते हैं कैसे स्टिकर्स मिलते हैं दोस्तों हमें इसके अंदर गाइस, तो स्टिकर्स नहीं है, ये है सीट्स गाइस। और सीट्स देखो दोस्तों, ओहो वाओ काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग, ये देखो ओहो वाओ, ये भी पिक्चर काफी जबरदस्त है। ये वाली देखो दोस्तों, ओहो वाओ यार ये भी काफी जबरदस्त है यार। और ये देखो सीट की मोटाई देखो दोस्तों, कितनी मोटी शीट मिल गई, पतली शीट नहीं मिलती है दोस्तों इसमें, मोटी शीट मिल गई। और ये देखो ओहो वाओ काफी अमेजिंग, ये देखो ये भी पिक्चर। आपको इन सारी पिक्चर्स में सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी लगी, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली, छठी वाली दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे सारी सीट्स के पिक्चर्स काफी अच्छी लगी दोस्तों। और क्या मिल रहा है इसके अंदर, इसके अंदर स्टिकर्स मिलते हैं, कितने स्टिकर्स मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर मैं दिखाता
देखते हैं पहले इसमें, देखो पहले ये सारे स्टिकर्स, ये देखो ये स्टिकर्स मिल गए। ओहो ओ अल्फाबेट्स, ये देखो अल्फाबेट स्टिकर, और ये तो है ग्लिटर वाले स्टिकर, वाओ यार काफ़ी अमेजिंग। ये देखो 56 मिल गए गाइस, 52 स्टिकर्स मिल गए हमें अल्फाबेट्स के, देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त। और ये स्टिकर मिले दोस्तों हमें, दो स्टिकर के सीट्स मिल गए, दोनों पे बिल्कुल अलग अलग स्टिकर्स है कहीं गाइस, और काफ़ी अच्छे स्टिकर्स मिल गए और बॉक्स हो गया खाली। ये सेट आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की 1 2 3 4 चार लॉक वाली पेंसिल बॉक्स दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है। ये है काफ़ी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और एक और ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस हमारे पास डुअल लॉक वाली, ये है 4 लॉक वाली दोस्तों। और इसे ओपन करेंगे और देखेंगे दोस्तों इसमें कितना स्पेस है और कैसे ओपन होगी ये भी देखेंगे। इसमें गाइस हमें नेविगेशन मिल जाता है जो सबसे अच्छी बात है, नेविगेशन तो हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता, बट इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स में हमें नेविगेशन मिल गया, 2 फ्रंट में 2 बटन मिल गए दोस्तों, और प्रिंसेस की फोटो मिल गई दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर। बैक साइड में भी दोस्तों हमें सेम पिक्चर मिल जाती है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन तो ओपन ऐसे होगा नहीं तो इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर पासवर्ड से ये ढक्कन ओपन होगा, पासवर्ड गाइस वो पता चलेगा आगे। तो पहले इस वाले बटन को दबाते हैं, इस वाले बटन को दबाते ही दोस्तों नीचे से एक शार्पनर निकल के आता है। सेकंड बटन को दबाते हैं, तो सेकंड बटन को दबाते ही ये देखो छोटा सा कमांडमेंट निकलता है जिसके अंदर गाइस अच्छा स्पेस है, यानी हम इरेजर रख सकते हैं इतना बड़ा स्पेस है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर गाइस हमें पासवर्ड मिला है दोस्तों, और इस पासवर्ड को हम इस जगह मेंशन करेंगे, पासवर्ड क्या है 9011, तो 9011 डालेंगे दोस्तों, फिर इस लॉक को इस तरह दबाएंगे और ढक्कन ओपन हो जाएगा। चलो फटाफट पासवर्ड डालते हैं दोस्तों और खोलते हैं इसका ढक्कन दोस्तों। पासवर्ड हमने डाल लिया 90, ये देखो ये 0 है, इधर 0 कर देते हैं, 11 हमने ऊपर कर दिया। अब इस वाले लॉक को इस तरह दबाएंगे और ढक्कन ओपन हो जाएगा। अरे भाई ढक्कन ओपन नहीं हुआ तो हमने सही से पासवर्ड नहीं डाला शायद इसीलिए। अब देखो अब डाल लिया हमने और ढक्कन ओपन करते हैं, ये देखो दोस्तों ढक्कन ओपन कर लिया। ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें इसमें एक पॉकेट मिलती है जिसमें हम अपना क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, और इसमें हमें 2 कंपार्टमेंट मिलता है, और ये देखो दोस्तों इसमें मिलता है हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल गया, डबल पेंसिल लॉक मिलता है दोस्तों इसके अंदर, और इसमें काफ़ी सारा स्पेस भी मिल गया दोस्तों। चलो बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन ओपन करते हैं। बैक साइड ढक्कन ओपन करने के लिए दोस्तों हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा और इस बटन को दबाना पड़ेगा, फिर ढक्कन ओपन होगा। ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये था 4 पासवर्ड वाला ज्योमेट्री बॉक्स, अब 2 पासवर्ड वाली ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूं दोस्तों कैसी है। तो पहले देखो लुक देख सकते हो दोस्तों कितनी जबरदस्त, फ्रंट में हमें 2 शार्पनर मिल गया, इसमें दोस्तों हमें 1 शार्पनर मिलता है, इसमें 2 शार्पनर मिलता है, इसमें 1 बटन है, इस बटन को दबाते ही दोस्तों ये देखो 2 शार्पनर मिल गए, क्वालिटी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है, और इसमें 2 पासवर्ड मिलते हैं, और पासवर्ड देखो दोस्तों काफी अच्छे से लिखे भी हैं, इसमें हल्के हल्के प्रिंट है दोस्तों, पासवर्ड के छोटे छोटे नंबर है और इसमें बड़े बड़े नंबर हैं गाइस। पासवर्ड क्या है 3 और 4 है, तो 3 और 4 को हम कर लेंगे एडजस्ट, 3 को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और 4 को भी ऐसे एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों, और फिर इस वाले बटन को दबाएंगे तो ढक्कन ओपन हो जाएगा। देखो दोस्तों ढक्कन ओपन हो गया, और ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, और इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक स्टैंड मिल गया दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अमेजिंग, स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल गया, और बैक साइड के ढक्कन को ओपन करने के लिए भी दोस्तों हमें इस बटन को दबाना पड़ेगा। देखो दोस्तों और दबाते ही ढक्कन ओपन हो गया, और देख सकते हो दोस्तों इसका ढक्कन की क्वालिटी भी दोस्तों कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल शीशे लुक में है दोस्तों ये इसका ढक्कन दोस्तों, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। चलो दोनों के साइज़ की बात करते हैं, दोनों साइज़ मिलाते हैं दोस्तों, ये देखो दोस्तों साइज़ देख लो, तो 4 जिसमें 4 पासवर्ड है उसको काफ़ी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है, जिसमें 2 पासवर्ड है थोड़ी सी छोटी ज्योमेट्री बॉक्स है। आपको इन दोनों ज्योमेट्री बॉक्स में सबसे अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स कौन सी लगी दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। चलो साइड रखते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंसेस के इरेजर सेट दोस्तों, आप देखना और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन सारे सेट में सबसे अच्छा इरेजर कौन सा लगा दोस्तों। तो यहाँ से टेप है दोस्तों, टेप हटाएंगे हम इससे बहुत ही, और देखो हार्ड कितनी है यार टेप इसकी, ये देखो हार्ड बहुत है, और ये देखो इसे ढक्कन इस तरह ओपन करिए, और इसके अंदर गाइस हमें देखो ये देखो कितनी सारी इरेजर मिल गई, और इसमें टोटल हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इरेजर्स मिल जाते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर 3 तो हमें जलपरी मिल गई दोस्तों, ये देखो जलपरी की क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखो 1 जलपरी और ये 2 जलपरी, ये देखो 2 जलपरी और 3 जलपरी देख सकते हो दोस्तों, 3 जलपरी मिल गई, और नीचे का पार्ट तो प्लास्टिक का है दोस्तों, इरेजर नहीं है, और इसके बाल हैं वो इरेजर के हैं दोस्तों। इन दो तीनों प्रिंसेस में आपको सबसे अच्छी प्रिंसेस कौन से लगी, जलपरी कौन से लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ये येलो वाली अच्छी लगी, आपको कौन सी अच्छी लगी प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो दोस्तों जलपरी की एक बच्ची भी है दोस्तों, ये देख सकते हो ये पूरी इरेजर लग रही है मुझे तो, निकालने में देखो बिल्कुल इरेजर लग रही है, क्वालिटी काफ़ी जबरदस्त
जबरदस्त है यार इन सब की। ये देखो ये जल परी की बच्ची और पीछे हाथ करके चल रही है, अरे मटक मटक के चल रही है, ये तो देखना काफ़ी ज़बरदस्त। और देखो दोस्तों ये है जल परी का घर, ये इरेजर है पूरा इरेजर, ये प्लास्टिक का नहीं है दोस्तों, ये पूरा इरेजर है। और क्या, और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो दोस्तों कितना ज़बरदस्त है, कितना अमेजिंग है। और क्या इसे इसके अंदर मिलती है हमें, ये देखो इसके अंदर मिल गई हमें एक डॉल्फिन, ये देखो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त। और ये पूरी इरेजर है दोस्तों, प्लास्टिक कहीं भी नहीं है इस इरेजर में। और क्या मिलती है इसमें, स्टार फिश मिल जाती है, ये देखो ये स्टार फिश की क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़बरदस्त है। और ये भी पूरी इरेजर है दोस्तों, काफ़ी अच्छी ये इरेजर है इसके अंदर। और गाइस हमें क्राउन मिल जाता है प्रिंसेस का, ये देखो प्रिंसेस का क्राउन मिल गया, काफ़ी अमेजिंग, ये भी इरेजर है। और ये देखो जादुई छड़ी मिल गई इसके अंदर, गाइस प्रिंसेस की जादुई छड़ी है, देखो ये जादुई छड़ी का स्टिक तो गाइस प्लास्टिक की है, बट जो स्टार है ना वो है इरेजर दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी अमेजिंग सा। और गाइस हमें मिलता है इसमें सी हॉर्स, ये देख सकते हो सी हॉर्स मिल गया, और सी हॉर्स का कलर देखो दोस्तों, और ये पूरा इरेजर है दोस्तों सी हॉर्स का। और क्या मिल गया इसके अंदर, और इसके अंदर गाइस हमें मिल गई एक शार्क, ये देखो दोस्तों ये शार्क मिल गई काफ़ी ज़बरदस्त सी, और ये वेल है ये शार्क है ये देख सकते, और इसके ऊपर की एक टोपी निकल गई है, ये देखो ये वेल है या शार्क है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और क्या मिला इसके अंदर, ओहो वाओ यार काफी अच्छा, ये देखो कितना अमेजिंग है, और इसका नाम क्या है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार, ये देखो कितना जबरदस्त है, और देखना कितना पिटी लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी अमेजिंग यार, मज़ा ही आ गया यार इसे तो देख के काफ़ी अच्छा। और इसका नाम प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना इसका नाम क्या है। तो ये सेट आपको कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बस आप बताना। चलो इस साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स है, लुक देख सकते हो प्रिंसेस का कितना ज़बरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफ़ी मोटी ज्योमेट्री बॉक्स है। पहले ढक्कन ओपन करते गए कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया इसमें दोस्तों, छोटी छोटी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। सेकंड ढक्कन ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है जिसमें हमें एक दो तीन कंपार्टमेंट मिलते हैं और एक दो तीन चार पांच पेंसिल लॉक मिल गए दोस्तों, जिसमें हम पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं, बाकी दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिल गए दोस्तों, इसे बंद करते हैं दोस्तों। और तीसरे कंपार्टमेंट यानी तीन कंपार्टमेंट है दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, एक नहीं दो नहीं तीन तीन कंपार्टमेंट है यार, काफ़ी अमेजिंग काफ़ी ज़बरदस्त। और स्पेस भी देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा है इस ज्योमेट्री बॉक्स का भी दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफ़ी सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की ये वाली, बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों इसमें कितना स्पेस है। ओपन करते गाइस इसमें गाइस काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और इसमें गाइस हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, और दो दो गाइस शार्पनर मिल जाते हैं दोस्तों इसके अंदर, एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और देखो दोस्तों इसके अंदर गाइस हमें टेबल भी मिल गई दोस्तों, काफ़ी सुंदर यार काफ़ी अमेजिंग। और इसके अंदर दो दो मैगनेट भी मिल गई यार, ये देखना दो दो मैगनेट भी मिल गई, वाओ यार काफ़ी ज़बरदस्त। और ढक्कन को ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते फ्रंट वाले ढक्कन को ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया जिसमें हम दोस्तों काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स, प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स है, काफ़ी सुंदर है। इसकी साइज़ की बात करें साइज़ भी काफ़ी लंबी है, जिसमें चार पासवर्ड थे उस साइज़ की ज्योमेट्री बॉक्स है, देख सकते हो दोस्तों जो चार पासवर्ड थे ना उससे लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफ़ी अमेजिंग काफ़ी सुंदर। और लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसका डिज़ाइन देखो दोस्तों फ्रंट में कितना ज़बरदस्त है, ढक्कन को ओपन करते गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है दोस्तों इसके अंदर गाइस। और फ्रंट में हमें दो शार्पनर मिल गए, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट भी मिल गया दोस्तों साइड में, ये देखो काफ़ी अमेजिंग। ढक्कन ओपन करते ही गाइस इसमें गाइस दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, एक पेंसिल लॉक मिल गया, स्पेस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी सिंपल सी ज्योमेट्री बॉक्स है बट स्पेस काफ़ी अच्छा है, मोटाई भी काफ़ी ज़बरदस्त है इस ज्योमेट्री बॉक्स की दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफ़ी सुंदर है ये भी ज्योमेट्री बॉक्स, काफ़ी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, और इसकी चौड़ाई देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा है, कौन सी ज्योमेट्री बॉक्स एक और ज्योमेट्री बॉक्स है ना इससे भी चौड़ाई देखो, चौड़ाई देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा, यानी जितनी चौड़ी है उतनी ज़्यादा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों हमारी इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। ढक्कन ओपन करते ही गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया जिसमें दोस्तों में काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों, काफ़ी सुंदर सा है। और क्या गाइस फ्रंट वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, फ्रंट वाले ढक्कन को ओपन करते गाइस इसमें एक दो तीन चार पाँच पेंसिल लॉक मिल गए, और ऐसा पेंसिल लॉक तो दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता दोस्तों, बिल्कुल फिक्स है दोस्तों हमारे पेंसिल लॉक दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल गया दोस्तों, दो शार्पनर मिल गए दोस्तों इसमें। अब चलो पीछे वाले ढक्कन को खोलते हैं, पीछे वाले ढक्कन में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल गए, स्पेस भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल गया दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग काफ़ी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, काफ़ी चौड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फ्रोजन एना की एक वॉच दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है काफ़ी अमेजिंग है। चलो ओपन करते हैं, इसे मैंने 150 रुपीज़ की परचेज़ करी है दोस्तों, और दिखाता हूँ ये देखो
ये देखो इसमें का ये फ्रोजन एना की दोस्तों सारी चीज़ें मिल जाती है, कंगा उंगा सब कुछ मिल गया दोस्तों। और वॉच दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये देखो ये फ्रोजन एना की वॉच, ये देखो इसमें है एना की एक काफ़ी अच्छा सा स्टैचू दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग था। एक गाइज वॉच है, ये देख सकते हो दोस्तों वॉच कितनी ज़बरदस्त कितनी प्यारी है। और वॉच के ऊपर गाइज हमें दो बटन मिल जाते हैं जिससे हम टाइम को सेट कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग। कलर देखो दोस्तों इस वॉच का कितना अमेजिंग, काफ़ी सुंदर सा है। और गाइज इसमें एक लॉक मिलता है, इस लॉक को दोस्तों हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे दोस्तों काफ़ी अच्छे से। ये देखो मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ, ये सेट हो गई। और इसे दोस्तों हम एना को इसके ऊपर सेट कर देंगे दोस्तों, इस एना को हम इसके ऊपर सेट कर देंगे, इस तरह सेट कर देंगे और फिर एना गाइज घूमने लगेगी बहुत ही ईजी से, बहुत ही अच्छे से घूमने लगेगी। अगेन दिखाता हूँ, ये देखो ये चारों तरफ घूमने वाली एना है दोस्तों, ये देखो पहले इसे सेट करते हैं, ये देखो ये सेट हो गई और एना गाइस चारों तरफ घूमने लगेगी दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, ये देखो चारों तरफ घूमेगी एना हमारी, आप देखो दोस्तों चारों तरफ, ये देखो दोस्तों चारों तरफ एना घूम रही है। और ये वॉच है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्ती काफ़ी प्यारी सी वॉच है, एना की वॉच है देख सकते हो दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है ये चारों तरफ रोटेट हो रही है ना, वो काफ़ी अमेजिंग है। और ये देखो मुड़ भी गई, देखो ऐसे भी झुक गई, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी सुंदर वॉच है। 150 रुपीज़ की परचेज करी है दोस्तों, मैं एडजस्ट सही से नहीं कर पा रहा, फिर से एडजस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको, मैंने सही से एडजस्ट कर दिया। अब देखो अब नहीं गिरेगी एना हमारी, ये देखो कितने देखो ये देखो कितने अच्छे से हो तेरी, ये देखो ये देखो ये है ना काफ़ी ज़बरदस्त। जैसे जैसे हमारा हाथ मुड़ेगा गाइस हम पहन लेंगे हाथ में, और जैसे जैसे मेरा हाथ मुड़ेगा वैसे वैसे गाइस ये एना मुड़ती चली जाएगी। आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वॉच, और इस वॉच का गिवअवे चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और लिखना ये कि भैया प्लीज़ इस वॉच का गिवअवे करो तो फिर मैं इस वॉच का जरूर गिवअवे करूँगा। तो गाइस आज का था कलेक्शन ये, तो आज का कलेक्शन में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आ लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आपको किसी टॉय कलेक्शन जोमेटो बॉक्स या किसी भी सेट की अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस कलेक्शन की जरूर वीडियो लेके आऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।